Hi, this is Krishna with another question of trigonometry. This is question number 1, exercise 8.2, page number 187 of NCERT. Evaluate the following. We have to find values. Sin 30 plus tan 45 is equal to cosec 60 upon secant 30 plus cos 60 plus cot 45. So, अगर आपको याद हो हमने एक टेबल किया था लास्ट में कुछ वीडियोस आपने देखी उसमें एक टेबल मैंने आपको समझाया था जिसमें साइन कॉस टैन कॉट इन सब के वैल्यूज क्या हैं और बस उन वैल्यूज को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. साइन 30 इज 1/2, टैन 45 इज 1, कोसेक 60, कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/3, कॉन secant 30, secant 30 is 2/3, cos 60 is 1/2, plus cot 45 is 1. So sin 30 ka value is 1/2, tan 45 is 1, cos 60 is 2/3, secant 30 is 2/3, cos 60 is 1/2, cot 45 is 1. यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब नीचे वाले इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी नीचे सॉल्व करेंगे दोनों को. सो यहाँ पर आ गया एलसीएम नीचे 2/3, 2/3 को 2 से डिवाइड किया तो आया रूट 3 यहाँ पर, प्लस 2/3 को से सॉल्व किया तो आया 2/3, माइनस 2/3 को रूट 3 से डिवाइड किया तो आया 2/4, ऑन इसका एलसीएम भी 2/3, तो 3 से किया तो आया 4, तो 3 को 2 से किया तो आया रूट 3, 3 को इससे किया तो आया 2/3. सो ये आ गया रूट 3 प्लस 2/3 इज 3/3 माइनस 4 अपॉन 2/3. 3/3 प्लस रूट 3 प्लस 2/3 इज 3/3 प्लस 4 अपॉन 2/3. So, 3/3 माइनस 4 अपॉन 2/3 ये वाली वैसे रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये बनेगा 3/3 प्लस 4. So, 2/3 से 2/3 कैंसिल, ये बच गया 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 प्लस 4. अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज, रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 माइनस 4. So, ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है ये दोनों, तो ये बन सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर. और यहां पर a a दोनों का सेम है, b और b दोनों का सेम है, यहां प्लस है यहां माइनस है, दैट मीन्स a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3 का स्क्वायर. 3 3s are 9, root 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 3s हो गया 27, माइनस प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2ab, 2 into a into b, 2 3s are 6, 6 root 3 into 4 is 24 root 3, upon 3 root 3 का स्क्वायर अगेन 27, माइनस 4 का स्क्वायर is 16. So 27 plus 16 is 43 minus 24 root 3. 27 minus 16 is 11. So this is the answer. Ye value aa gaya hamare paas iska. Now part number 5 cos square 60. Cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 secant square 30. Secant 30 का वैल्यू होता है, cos 30 is root 3/2, तो secant 30 is 2/3 का स्क्वायर इनटू 4 माइनस tan square 45. Tan 45 is 1, तो 1 का स्क्वायर. Cos sin 30. Sin 30 is
1 by 2 का होल स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू इज रूट 3 बाय 2, स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। सो ये आ गया यहां से 5 इंटू 1 बाय 4, 1 बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 अपॉन 1 बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 इक्वल टू 5 इंटू 1 बाय 4 इज 5 बाय 4 प्लस 4 इंटू 4 इज 16 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 दैट मीन्स 4 बाय 4 सो ये कैंसिल होकर आ गया 1। ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आया 4 और 3 का एलसीएम इज 12, 12 4 से डिवाइड हुआ 3, 3 5 इज 15, 12 डिवाइड बाय 3 इज 4, 4 इंटू 16 इज 64 माइनस 12 सो 15, 64 माइनस 12 इज 52 बाय 12 सो ये आ गया हमारे पास 567 अपॉन 12 सो दिस इज द आंसर सो ये वैल्यू आ गया 67 अपॉन 12 सो इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है अगर आपको टेबल अच्छे से याद है वो वैल्यूज वाला उसको वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और बॉर्मा सप्लाई करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस जिस स्पेस गिवन है उसमें लिखिए एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस